बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, मैं हूस्टन टेक्सास से बात कर रही हूँ। जनाब हजरत जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हमेशा सेहतमंद और तरोताजा रखे, आपके ईमान की हमें रोशनी मिलती रहे और आपको हासिदों के शर से दुश्मनों की दुश्मनी अदावत से महफूज रखे, सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अजय जी, वो मैंने इमिग्रेशन का तो 36 डेज कर लिया पूरा, और अब ये है मसला कि बेटे को फैटी लीवर और मैदे का वो हो गया प्रॉब्लम बहुत सा, और दूसरा ये है कि मैं बहुत जरा सा भी बर्तन हिलता है या पानी या कोई चीज भी दरवाजा पत्ता तक हिलता है तो मैं डर जाती हूँ एकदम से, और मुझे वजाइफ पढ़ने में वो हो रही है दिक्कत क्योंकि मुझे नींद आती है। बस मेरे लिए तवज्जो की दुआ कर दें और मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए दुआ कर लें। अल्लाह ताला आपको इसका फैज हमेशा, अल्लाह ताला मेरे कहते मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, जो दुआएं हमारे हक में आपने की हैं अल्लाह उनको शर्फ़ कबूल बख्शे। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत और सलामती और ईमान की दौलतों पर कायम व दायम रखे, और बाकी आपकी इमिग्रेशन के हवाले से बेटे का काम वो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है वो खैर से पाए तक मिल तक पहुंचा दे, और बाकी वो बीमार हैं तो उनकी सेहत तो आफियत के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए और हर तरह के फितरों से महफूज रखे, और आपके लिए भी दुआ गो हैं कि आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अब आपके लिए वज़ाइफ़ पढ़ते नींद आती है और ये सुस्ती हो रही है, उसके लिए नोट कर लें, आप 7 काली मिर्चें लें, 7 काली मिर्चें 7 ये लेकर जो है उनके ऊपर आपने तीसरा कलमा दम करना है 11 दफ़ा, कलमा तमजीद 11 दफ़ा दम कर लेना है, और मिर्ची आप अपने पास रखनी है, एक मिर्च मुंह में डाल के को चबा लेना है, फिर उसके एक डेढ़ घंटे के वक्फे में दूसरी मिर्च चबा लेनी है, तो ये पूरे दिन के अंदर आप 7 मिर्चें मुख्तलिफ मौक़ों पर चबा के ख़त्म कर लें, तो ये आपने 11 दिन पाबंदी से करना है, इंशाल्लाह जो तकासुल है सुस्ती काहली ख़त्म हो जाएगी और इबादत में आपको चुस्ती हो जाएगी और जिक्र अज़कार आपके लिए आसान हो जाएंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।